जैन, सबसे पहले मैं आज बताने वाला हूं कि अगर आपके अकाउंट पे प्रोफाइल ग्रोथ एट रिस्क या प्रोफाइल सम इश्यूज आ जाता है, इसके बाद आपके अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी रील वायरल होगी या नहीं होगी, आपके वीडियो वायरल हो गया या नहीं होगी, आपकी रीच डाउन हो जाएगी या अप होगी या बराबर रहेगी, क्या ऐसा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मैं अपना अकाउंट दिखा देता हूं। इसमें देखिए 2.1 मिलियन मेरा फॉलोवर्स है, ठीक है, फेसबुक पे। यहां पे जब सी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख लीजिए अभी तक सारा ग्रीन है। और इसके बाद जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, प्रोफाइल रिकमेंडेशन मिलता है, ठीक है। प्रोफाइल रिकमेंडेशन में देखिए कि आपको इस तरीके का आपको दिखना चाहिए प्रोफाइल रिकमेंडेबल। अगर आपके अकाउंट पे इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है कि प्रोफाइल ग्रोथ एट रिस्क पे है या प्रोफाइल सम इश्यूज है, तो ये चीज का प्रॉब्लम आता है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, इसके बाद बताता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट पे ये आ जाती है तो आखिर ये आती क्यों, अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए बहुत ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे कंटेंट अपलोड कर रखे हैं जो कॉपी पेस्ट वाले, उसमें भी आपको प्रोफाइल नॉट रिकमेंडेबल कर देगा। आप ऐसे कंटेंट जिसमें मार धार, खून खराबा और सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह हो रही है, अगर उस चीज को आप शेयर भी करेंगे ना, उसमें भी आपको प्रोफाइल सम इश्यूज का प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोफाइल आपका नॉट रिकमेंडेबल हो जाएगा। भाई साहब, यूट्यूब से बिल्कुल अलग है फेसबुक। यहां पे शेयर का ऑप्शन देता है, अगर वो किसी अकाउंट को आप शेयर कर देंगे जो गलत चीजें हैं, उसको कभी भी शेयर मत कीजिएगा। अगर शेयर करेंगे तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक तरीका बता देता हूं, अगर इस चीज से बचना है तो सबसे पहले किसी भी चीज को, कंटेंट को आप देखिए कि आखिर उसमें लिखा क्या है। अगर आप रील अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो इस सब चीज से देखना है कि टाइटल में आप क्या लिख रहे हैं। एक मेरे फ्रेंड की कहानी आपको बता देता हूं, छोटी सी कहानी है, सुन लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ऐसा ना हो जाए। एक रील अपलोड कर रहे थे और उसमें कुछ एक मोटे आदमी थे, तो उसने टाइटल में लिख दिया कि देखो मोटका क्या कर रहा है, इस बात के लिए उसको प्रोफाइल ग्रोथ रिस्क पे कर दिया और उसमें बुलिंग एंड हरासमेंट का वायलेशन लगा दिया कि भाई साहब आप वहाँ पे उस चीज़ को बुलिंग, मतलब उसको हरासमेंट कर रहे हैं। उसने मोटका वाला वर्ड जो लिखा हुआ था, इसके वजह से बुलिंग एंड हरासमेंट आ गया। तो भाई साहब, आप भी ऐसा चीज़ें जो टाइटल लिख रहे हैं तो बहुत हिसाब से लिखिए। अगर टाइटल में कुछ ऐसे वर्डिंग लिख रहे है जो चीज वायलेट कर रही है तो आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रोफाइल जो सम इश्यूज आ सकता है या फ्लैग कंटेंट आ सकता है। तो ये सब चीज से बच के रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि गलती आपने कर दी है तो क्या होगा, गलती हो जाती है, जब भी आप फेसबुक पे काम करेंगे तो छोटी मोटी गलती होती रहती है, लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। अगर गलती हो जाती है तो आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, फेसबुक को रिपोर्ट करना है और उससे माफी मांगना है। अगर आप अकर दिखाएंगे तो कभी भी ठीक नहीं करेगा। सबसे पहले 48 घंटे के अंदर ही जब भी आ जाता है तो हमेशा पहले चेक करते रहिए। रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे बहुत आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है कैसे रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे जाना है, रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे लिखना है डियर फेसबुक टीम, हिंदी में बता देता हूँ, आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। डियर फेसबुक टीम, मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी और मेरे से गलती से ये चीज़ें अपलोड हो गई या हमने जो ऐसा टाइटल लिखा था वो गलती से हो गया, आइंदा इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से मेरे प्रोफाइल को एक बार रिव्यू करके प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं इन फ्यूचर में नहीं, आपका ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा अगर 48 घंटे। अगर आपने कोई बड़ी चीजें कर दी है जिसके कारण से प्रोफाइल ग्रोथ रिस्क पे आ गया है, जैसे कि फ्रॉड वगैरह, जो भी फ्रॉड वाली भी चीजें है, जैसे अर्निंग से रिलेटेड आप बता रहे किसी एप्लीकेशन से, तो ये सब चीजें ज्यादा बड़ी चीजें होती है, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग चीजों का होता है। छोटी मोटी गलती तुरंत सॉल्व हो जाती है, न्यूडिटी सेक्सुअल एक्टिविटी का भी है, वो सब तुरंत सॉल्व हो जाती है, लेकिन कोई बड़ी चीजें आपने रील में बता रखा है, फ्रॉड वगैरह करने के बारे में, अर्निंग के बारे में बता रखा है, तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो भाई साहब देखिए प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे एक चीज़ नीचे में आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है, जब उस पर प्रोफाइल सम इश्यूज पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे में आपको दिखाई देगा कि अगर आपने दोबारा इस चीज़ को किया तो ये और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर गलती करेंगे तो आपके अकाउंट को और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, रीच बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल। अगर फिर भी मान लीजिए कि आ गया है तो आप क्या होगा, तो ये किस चीज़ क्या होता है, एक महीना के अंदर अंदर आपका प्रोफाइल दोबारा रिकमेंडेबल में चला जाता है, लेकिन वहां पे जो प्रोफाइल सम इश्यूज है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो जल्दी हटेगा नहीं, ठीक है। जो प्रोफाइल सम इश्यूज है वो एक साल तक रहता है,
जैसे ही एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो जो प्रोफाइल समय सूझे वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस दौरान आपके मन में कुछ सवाल आएंगे कि सर जब वो मैंने डाल रखा है जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसके वजह से मेरी रील वायरल नहीं हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो कुछ समय के लिए आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन जरूर रहता है, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है कि जैसे समय बीतते जाती है, एक महीना दो महीना दोबारा आपका प्रोफाइल रिकमेंडेबल हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट पर ऐसा शो होते ही रहेगा। इससे घबराने वाली बात नहीं है, आपका अकाउंट जरूर इंक्रीज करेगा, रीच भी जाएगी, तो ये सारे चीज़ें होता है, लेकिन ये चीज़ मतलब ध्यान नहीं देने हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर जानना है तो गूगल क्रोम में जब खोलेंगे अपने अकाउंट को तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा क्लियर, क्योंकि एप्लीकेशन पे उतनी चीज़ें नहीं दिखती है। तो आपका प्रोफाइल एक महीना डेढ़ महीना दो महीना के बाद ऑटोमेटिक रिकमेंडेबल आ जाएगा, लेकिन ये इशूज आपको रहेगा ही, घबराने की कोई बात नहीं। लगभग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा प्रोफाइल सम इशूज या कुछ प्रोफाइल ग्रोथ रिस्क हो जाता है तो आपको क्या दिक्कत आती है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट कर सकते हैं, पूरा क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।